किसान मित्रों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रैक्टर के मेंटेनेंस को लेकर, क्योंकि आजकल डीजल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में हम ट्रैक्टर में कुछ छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें तो हम काफ़ी ज़्यादा डीजल की बचत कर सकते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैं सामान्य 3-4 पॉइंट्स में बताऊँगा। तो उससे पहले जो हमारे नए किसान मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास मेरी घंटी भी ज़रूर दबाएँ। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है डीजल बचत के लिए कि ट्रैक्टर को लंबाई में चलाएं। तो किसान मित्रों, आप ये जरूर ध्यान रखें कि ट्रैक्टर को आप लंबाई में चलाएं। जैसे आप जोताई कर रहे हैं तो आपको अपने आप में पता चल जाएगा कि हम ट्रैक्टर को कैसे ज़्यादा मोड़ रहे हैं। इधर उधर हम मोड़ ज़्यादा होता है ट्रैक्टर में तो डीजल खपत उसमें ज़्यादा होती है। तो आप कुछ कर रहे हैं तो आप ये डिसाइड कर लें कि आप लंबा करें। तो लंबा करेंगे तो ये होगा कि आपका स्टेयरिंग कम मुड़ेगा, तो इसमें डीजल खपत कम होता है और इससे बहुत सारा बेनिफिट आपको ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। तो इस तरह से पहला पॉइंट आता है कि आप ट्रैक्टर को लंबाई में चलाएं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि आपके इंजन में हवा का आवागमन, मतलब आना जाना बराबर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर आप ट्रैक्टर चालू करते हैं तो आपको ट्रैक्टर ज़्यादा आवाज़ करता है तो आपको ये इंडिकेशन देता है कि आपके ट्रैक्टर में हवा की स्थिति कम जा रही है, आपके हवा ट्रैक्टर में हवा का आवागमन कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसके वजह से आप डीजल ज़्यादा खपत होगा, क्योंकि हवा कम जाएगा मतलब आपके ट्रैक्टर के इंजन को ज़्यादा लोड पड़ेगा तो इससे खपत बढ़ जाती है। तो इसके आप क्या देख सकते हैं कि आपके आवागमन कम हो रहा है तो आप ट्रैक्टर को फिर से चालू करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है कि हवा का बराबर आवागमन होते रहे आपके ट्रैक्टर इंजन में। तो यह भी आपका डीजल बचत के लिए काफ़ी मददगार होता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि ट्रैक्टर की इंजेक्टर को लेकर, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके ट्रैक्टर में आप चालू करेंगे तो आपका इंजन ज़्यादा धुआं देता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके डीजल अधिक खर्चा करेगा। तो आपको समझ आ जाता है कि ज़्यादा धुआं, काला धुआं दे रहा है तो सामान्य सी बात है आपका ट्रैक्टर ज़्यादा डीजल खपत कर रहा है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप हर 2 महीने या 2.5 महीने में आप इंजेक्टर की ज़रूर जांच कराएं। इससे होगा कि उसमें कोई ख़राबी होगी तो आपका रिपेयरिंग हो जाएगा, जिससे आपके काला धुआं निकलना बंद हो जाएगा। तो आप 2 से 2.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा आप इंजेक्टर की ज़रूर चेक कराते रहें। इससे आपके इंजन में ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है, जिससे इंजन में ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा तो डीजल की खपत भी कम होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है ट्रैक्टर में मोबिल ऑयल बदलना। तो मोबिल ऑयल सामान्यतः आप देखेंगे कि आपका इंजन में मोबिल ऑयल अगर ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसे में शक्ति कम हो गई मतलब ट्रैक्टर में ज़्यादा लोड पड़ेगा, इंजन में ज़्यादा लोड पड़ेगा तो आपका डीजल ज़्यादा कंजप्शन करेगा। तो आप ध्यान रखें कि आपके मोबिल ऑयल को ज़रूर बदलते रहें। तो इन सब छोटी छोटी बातों के अगर ध्यान रखेंगे तो आपके ट्रैक्टर में डीजल की बचत ज़रूरी होगी। मैंने बताया ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बात बहुत फ़र्क पड़ता है ट्रैक्टर में डीजल माइलेज देने में। तो आप इन चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। तो किसान मित्रों, ये रही हमारे द्वारा दी गई जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा वेबसाइट farmdunia.com चेक करना ज़रूर तब तक के लिए जय हिंद।